हाँ क्यों कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हो? कॉन्टैक्ट नंबर क्यों मांगे आपने बच्ची से? वो कॉन्टैक्ट उसमें चाहिए लिस्ट में। हाँ आपने कहा मैं बहरेन आऊंगा तो किस तरह कॉन्टैक्ट करूँ? और आपने मिठाई मांगी है? मिठाई मांगी थी। किस बात की मिठाई मांगी आपने? वो ऐसे ही मजाक करते हैं। अच्छा बस मजाक में मिठाई क्यों मजाक किया जी सर? आप इसको जानते हो? ये मजाक कर रहे हो? इसके साथ मजाक? इसमें बच्ची आई थी, बच्ची अकेली थी एयरपोर्ट में, इसने ये देखो आप इसको देख सकते हैं, इसने नंबर मांगा बच्ची से और मिठाई के पैसे मांगे इसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके साथ मोहम्मद हसन यूसुफ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी किंगडम ऑफ बहरीन की तरफ से। कल रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक कम उम्र बच्ची जो है 15 साल की, वो किंगडम ऑफ बहरीन के एयरपोर्ट से रवाना होती है पाकिस्तान एयरपोर्ट कराची की तरफ, और जब वो वहां पे लैंड होती है और एक नौजवान एफआईए जो ऑफिसर की तरफ से उसको हैरेसमेंट किया जाता है, उससे टेलीफोन नंबर मांगा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि आप टेलीफोन नंबर दें, हम आपको जो है वो बहरीन आके मिलेंगे। और पहली बात तो आपको वाजह कर दूं कि मैंने लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान में मौजूद था, मैंने एक वीडियो पैगाम के जरिए पीओसी के चैनल के जरिए जो है वो वीडियो पैगाम जारी किया था शेख रशीद साहब को कि इस चीज को रोका जाए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक तो है वो एयरपोर्ट पे लूटा जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको वहां पे जलील किया जाता है। इस हवाले से मैंने जो है वो शेख रशीद साहब को मैंने बोला था एक वीडियो पैगाम के जरिए, और उन्होंने फौरी तौर पे जो है इसका चीज का नोटिस लेते हुए उन्होंने हंगामी जो है वो दौरा किया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, वहां जाके उन्होंने ये दावे किए थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है यहां पे तहफ्फुज मिलेगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को यहां पे इज्जत मिलेगी। मेरे भी ख्याल से वो आपका जो वो प्लान था, जो आपका वो तरीकाकार था, जो आपके वो वहां पे पहुंचे हंगामी जो आपने वहां पे दौरा किया था, वो किसी किस्म का जो सामने पेश आया, क्योंकि ये वाकया देख के एक शर्मनाक वाकया जो है ये कि एक मां बाप जो है वो उनको इतना एतबार है कि उनकी जो लड़की है वो अपने अपने पाकिस्तान आ रही है, अपने मुल्क में आ रही है, को किसी किस्म का खौफ नहीं होगा उनको, लेकिन इस शख्स की वजह से, इस एफआईए के ऑफिसर की वजह से हर मां बाप अब सोचेगा कि अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है। इन लोगों को किस लिए वहां पर रखा गया है कि हिफाजत लिए रखा गया है, इन लोगों को जो पब्लिक की हिफाजत के लिए रखा गया, ना कि इस तरह से आप लोगों को हरासमेंट करें, उनसे जो है इस तरह की आप उनसे पैसे वसूल करें, उनको आप जलील करें, उनको उनको आप बेइज्जत करें एयरपोर्टों पे। मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कभी तो पाकिस्तान में लूटा जाता है, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं, और जो रिसेंट जो मामला हुआ ओवरसीज जो औरत थी उसके साथ ज्यादती की गई, अभी हाल ही में उसका जो वो हल आया, हाल ही में उसका जो है वो उसका उस चीज का जो है वो उन दो लड़कों को जो है वो सजा मिली है। लेकिन फिर भी मैं यही बार बार कहना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप लोगों ने समझ क्या रखा है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो आप लोगों ने उनको कुटबुतली पा रखा है कि वो आप जो कहें वो करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से जितना पैसा इस टाइम पाकिस्तान में पहुंचता है और पाकिस्तान का निजाम चलता है, और आप लोगों को तहफ्फुज देना चाहिए। आप अपने हर प्रोग्राम में, आप हर मीडिया जो है वो कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तान में हमने ये किया, ओवरसीज पाकिस्तान में हमने वो किया, ओवरसीज पाकिस्तान में हम ये करने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कुछ हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी को बस जलील होने के लिए वहां पे बुलाया जाता है। ओवरसीज जब एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो इतने ऐसे बाद अपने मुल्क पाकिस्तान पहुंचता है, वो वहां पे जाकर जलील होता है, एयरपोर्ट पे खजर खवार होता है, एयरपोर्ट पे उस पर बदतमीजी की जाती है, उसको उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, और उसके बाद उसको धमकियां दी जाती हैं जब, और माफिया की तरफ से जमीनों पे कब्जे और भी सारे मामलात। आपने ऐसा कोई विंग जो है वो नहीं बना सके, आप किसी चीज में कामयाब नहीं हुए। आपने जो ओवरसीज जो कंप्लेंट सेल बनाया था उसका जो दुरानिया जो है वो आपकी कंप्लेन का, उसको महीने लगते हैं, एक महीना नहीं, दो महीने नहीं, तीन महीने लगते हैं। इस चीज को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? आपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन जो बनाया है पंजाब का, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई काम हुआ होगा, इतना डिले किया जाता है, महीनों डिले किया जाता है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तहफ्फुज, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वहां पे जो इज्जत जो है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिक्योरिटी जो है वो हर हर जगह पे मुकाम, हर प्रोसेशन में, हर जगह पे जो है वो उनको दी जाए। और इसी वजह से मैं वाजिद जियाद साहब जो डायरेक्टर जनरल है एफआईए कराची के, और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और डायरेक्टर जो ऑपरेशंस है मोहम्मद फजल वजीर साहब, मैं इन सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वाकया का जो है वो इंक्वायरी जो है वो सख्त से सख्त, इस नौजवान को सजा मिलनी चाहिए, इस ऑफिसर को सजा मिलनी चाहिए, ताकि किसी की जरूरत ना हो, किसी की जरूरत ना हो किसी की माओ बहनों के साथ, और किसी की जरूरत ना हो कि इस तरह से दोबारा किसी को हैरेसमेंट किया जाए, किसी के साथ ज्यादती की जाए, और एयरपोर्ट पे किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ जो है इस तरह का काम ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया।